अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं असल में करना चाहती थी अल्फ़ाबेटिकल फूड, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ़ूड खाना। तो मेरे पास ये आइडिया कल ही आया, तो मैं आयरन भी कर लूँ सूट, अभी मुझे धोने भी हैं कपड़े। मैं अब पहले ए फॉर खाने लगी हूँ एप्पल। इस चैलेंज की मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, मैंने रेड फूड की तैयारी की थी और उसी की मैंने चीज़ें मंगवाई थी, बट ये भी मेरे माइंड में आ गया, सो मैंने सोचा कि कर लें। थैंकफुली के एप्पल पड़ा हुआ था, धो लिया है। छिलके वाले एप्पल मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, बट फ़िलहाल खा रही हूँ। मतलब मुझसे छिलका यहाँ से हलक से गुज़रता ही नहीं है, मुझे उसका छिलका उतारना ही उतारना होता है। सो अभी तो ए फॉर एप्पल खा रही हूँ, अब आगे क्या मिलेगा बिल्कुल नहीं पता। बी फॉर भी कुछ ढूँढना पड़ेगा, कुछ भी इसका मेरे पास नहीं है। मतलब पहले जो चीज़ थी, थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई थी मैंने, वो मैंने पहले ही खा ली, और रेड फूड की दो तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक चीज़ ऐसी है रेड फूड में जो मेरी इसमें भी काम आएगी, बट दो लेटर्स ऐसे हैं जिनका मुझे टेंशन हो रही है कि उनमें मैं क्या खाऊंगी, क्यू एंड यू, बट कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं ये खाती हूँ, जब नेक्स्ट लेटर होगा और जो मैं खाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं बी फॉर ये खाने वाली हूँ। ओहो, बबलू पापड़। मुझे ये इनमें मिर्चें होती हैं, मुझे नहीं पसंद, बट खैर है। बहुत चोर है घर में, सब है। हैविंग सी फॉर, ये देखें जी, चीनी नहीं तो सी से डी से है हमारे पास डोनट, केक डोनट, ओरिजिनल डोनट नहीं है। आई एम हैविंग डी फॉर डोनट, सस्ता डोनट, आई थिंक 10 रुपए का है, 5 रुपए का, पता नहीं, बट टेस्ट मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है। ये स्पंजी है केक के जैसे, एंड ओरिजिनल डोनट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस दिन मैंने खाया है, बहुत बेकार था। ए बी सी डी हो चुके हैं, अब आगे क्या खाना है बिल्कुल नहीं सोचा और ना ही सोचना है अभी, फिर जब खाने का टाइम आएगा तो सोच लेंगे। वन आवर लेटर फॉर एग जेली, एग जेली, एग जेली। बाकी मरियम को देनी है, वो रो रही है। आगे देखते हैं। नाउ आई एम हैविंग जी फॉर गार्लिक पेस्ट, बड़ा गंदा होने वाला है।
बड़ा गंदा होने वाला है, बट क्या करूँ, और जी फॉर अवेलेबल ही नहीं है कुछ, इतना कड़वा भी नहीं है क्योंकि नमक और ऑयल डाला था ना, इतना कड़वा नहीं रहा बट गंदा तो फिर भी है। छी एंड साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ। अब जी फॉर हो गया, एच फॉर आइडिया, खाना ही है जो भी खाएं बस। ये देखें एक चुटकी हल्दी, क्योंकि छी अच्छा, क्योंकि मैं जल्दी से आई पे जाना चाहती थी, आई से बड़े मज़े की चीज़ है। अगेन बनाई थी ओरियो आइसक्रीम, तो आई फॉर आइसक्रीम मैं खाने वाली हूँ, बट पहले मैं सालन में टमाटर का पेस्ट वगैरह डाल दूँ ना फिर। जी ये निकल आई है इस तरह, मतलब बीच में से ये स्टिक निकल आई है, बहुत गंद मचा हुआ है, बट आई फॉर मैं खा लूँ आइसक्रीम। वेट, आई फॉर हो गया, अब जे फॉर कुछ देखना पड़ेगा। आई एम हैविंग जे फॉर, ये देखिए जिम जैम, जे फॉर जिम जैम, बाद में ये खाऊंगी। के फॉर कीश, ये कोई कैंडी है, कीश। एल फॉर दिखाती हूँ, हमारे पड़ोसियों के बच्चे बहुत रो रहे हैं, और यहाँ पे एल फॉर मैं खाने वाली हूँ लेज। पहले मैंने सोचा था लेमन खा लूँगी, लेमन भी पड़ा हुआ है, तब लेज मिल गए हैं तो लेज ही खाएंगे। एल एम, एम से क्या खाएंगे अभी ये सोचा ही नहीं है, चलो देखते हैं एल से ये लेज खा लें। मैं खाने लगी हूँ मायोनीज, इसमें थोड़ी सी ही है बट पार है मेरे पास ये नमक पारे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बट क्या करें, खाने मैं एक दो ही खाऊंगी। ये ओ से क्या खाऊंगी बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा जी अब मैं खा रही हूँ ओ फॉर, ये ओ यस कोटेड सौंफ है, ये पी फॉर पार्टी पिक। हम्म,
टेस्टी। अब क्यों से मुझे कुछ भी और नहीं मिला, बहुत मुश्किल है, क्यों से फिर मुझे ये मिला है। ये टी वाइटनर है कुदरत। अच्छा क्यों फाड़ ये हो गया। मैं ये आर फॉर राइस। एस फॉर गिर गया सांटी। तो एस फॉर सांटी खा रही हूँ। टी से क्या खाऊंगी पता नहीं, सोचती हूँ कुछ। अब टी से मैं ये खाने वाली हूँ यहाँ पे टॉफेक्स। उड़द दाल मुझे घर पे मिल गई है, मैंने गूगल किया है। सो मैंने जब पिक्चर देखी तो मैंने कहा है ये उड़द दाल होती है, ये तो मेरे घर पे पड़ी हुई है। सो हैविंग टी फॉर टॉफेक्स। अच्छी है, ये होती है उड़द की दाल। यू वे से दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं वी फॉर ये वीवो जूस पी रही थी। आई लव एप्पल जूसेस जिस भी ब्रांड को, बट ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। सो वी फॉर ये पी रही हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर किया क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर था। मैं अभी नमाज पढ़ के आई हूँ तो मैंने इसलिए ड्रेस चेंज किया है। मैं ड्रेस चेंज करके नमाज पढ़ती होती हूँ। तो अब मैं डब्ल्यू एफ आर पीने वाली हूँ वाटर, और वाटर पी लूँ। मैं दिखाती हूँ, वेट, ओहो यहाँ से नज़र आएगा। मैं असल में स्टील के बर्तन ही घर पे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनको कोई पता नहीं होता, वो कर देते हैं शरारते हैं, तोड़ देते हैं। पहले मेरा जो जेज वाला डिनर सेट था वो उन्होंने तोड़ दिया, उसकी दो तीन प्लेटें तो मुझसे टूटी थीं और दो तीन चीज़ें आई थिंक टूट चुकी हैं और भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती। सॉरी बैठ के पीना भूल गई, बट एक्स एक्स फॉर है मेरे पास एक चीज़ यहाँ से पता नहीं नज़र आएगी या नहीं, ये वाटरमेलन जिगुआ। ये असल में मेरा पड़ा हुआ है, मैंने एक ही मंगवाया था और मैंने वो कुछ खाया था, कुछ मैंने इस एक्स के लिए रख दिया था। सो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में जीगुआ बोलते हैं वाटरमेलन को। सो मैं यहाँ पे गूगल का साथ में रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगी के यही कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ ये वाय से, इसका नाम है यूर्स फिफ्टी। तो जेड फार है ये जॉम्बी।
आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।